Hey guys, this is me Dilip Kumar. You are watching DK Electronics channels. So guys, ये देख सकते हैं ये वाला हमारे पास सेवेट स्किल आया था जिसमें डेड कंडीशन का प्रॉब्लम था. सो इसका जो बोर्ड था खुद का ये वाला बोर्ड काफ़ी हद तक इसका डेड हुआ पड़ा था. इसमें मैंने इसके ये वाला जो 1.3.3 जो टास्टर वगैरह थे 733 वगैरह मॉडल वाला वो था दोनों चेंज किए थे. उसके बाद ये चलना लग गया. इसकी जो ये वाली ऐसी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, डेड हो गई थी. सो किसी मैकेनिक भाई ने इसमें अपनी जो जहाँ छानबीन की थी सो उससे फॉल्ट ये हल नहीं हुआ. ठीक है, सो इसमें मैंने ये वाले आईसी भी चेंज कर दी प्रोग्राम करके और साथ साथ ये वाले जो चार्जर थे वो भी चेंज किए. अभी सारा मामला इसका ओके हो गया है. चार्जिंग वगैरह इसमें आ रही है, दिखा रही है. ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग वगैरह ऑप्शन आ रहे हैं, मगर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है. सो वो सोल्व करते करते सोचा कि दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ. सो ये प्रॉब्लम ये है. सो मैंने इस ये ऑन किया इसको. सो इसका जो डिस्प्ले वो कम शो हो रहा है. एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ ये वाला. देखें दोस्तों, एक मिनट में इसको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पर मैं चालू कर दूँ. देखें इसका डिस्प्ले जो है कम शो कर रहा है और झटके देकर बंद हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये वाले इसके कनेक्शन ये भी नहीं लगे हुए हैं. इसके ये वाले जो कनेक्शन है वो भी नहीं लगे हुए हैं. इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको हाथ लगाता हूँ तो इसके जो है सेंसर वगैरह थोड़ा सा काम करता है और एलर्जी वगैरह थोड़ी सी ग्लो करती है और बंद हो जाती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम ये वाला प्रॉब्लम आ चुका है. सो उसका प्रॉब्लम कौन सा है वो आपको मैं बता दूँ. सो इसका प्रॉब्लम ये वाला है, ये इस आईसी का. सो इस आईसी का प्रॉब्लम इस वजह से हुआ था कि ये वाला जो इसका टास्टर था. सो आप देख रहे हैं, एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ. सो ये वाला जो टास्टर है A733 मॉडल का, ये वाला जो टास्टर है ये 3.3 सिर्फ डिस्प्ले को देता है. सो जो मैकेनिक भाई था उसने अपनी कारीगरी की थी, तो उसकी वजह से यहाँ से इसके वोल्ट जो ज़्यादा दे दिए थे. सो इसकी वजह से इसका जो डिस्प्ले आईसी है वो शॉर्ट हो गई है. सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई है. सो आईसी को हम तब्दील करेंगे. ये न्यू नहीं मिलती, मगर हमारे पास एक ओल्ड घंटा पड़ा है, उससे हम निकाल कर उसके अंदर लगाएंगे. ठीक है, सो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो बन रही वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ठीक है दोस्तों, सो आज की वीडियो में सिर्फ यही. सो अभी मैं इसको कर देता हूँ. और ये आईसी भी मार्केट से मिल जाती है, अगर कोई दोस्त वगैरह को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं इस आईसी को दिला दूँगा. ठीक है, आप इसका मॉडल भी देख लें, 5219 AD इसका मॉडल है. सो ये इसका कांटे का बोर्ड है, फ्रेश हो चुका है. ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन काम किया है, कोई भी शिकायत नहीं है. तो अभी हम इसको आईसी को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं. ठीक, सो गाइस ये आईसी मैंने उतार लिया है इसके अंदर से. सो इसका नंबर मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, 6932 इसका मॉडल है. ठीक है, सो अभी मैंने इसको उतार दिए और इसी साइड से मैंने उतारिए, इसका निशान देख कर उतारिए. सो इसमें बोर्ड की तरफ निशान नहीं दिया हुआ है, आपको एहतियात से उतारनी है अगर उतार रहे हो तो. सो इसका आप निशान देख सकते हैं, इस तरह ये लगी हुई थी. और कोई बात नहीं, अगर आपने निकाल दिया, आपने गौर नहीं किया, तो आप दूसरे कांटों जो कांटे हैं उसके आप देख सकते हैं. सो ये देखें, ये हमारे पास दूसरा कांटा पड़ा है, इसमें अंदर ये सेम मॉडल की लगी हुई है SDI. ठीक है, 6932 इसमें सेम नंबर की लगी हुई है. सो इसका नंबर निशान भी देख सकते हैं आप, ये वाला नीचे की तरफ है. ठीक, सो सेम तरीके से निकाल कर उसको लगानी है, उल्टी ना लग जाए, क्योंकि इसमें बोर्ड में निशान नहीं दिया होगा. सो बोर्ड में निशान नहीं दिया होगा, आपको एहतियात लाजमी रखनी है. अगर भूल जाते हैं तो फिर इसमें अपने जो मार्कर से निशान कर दीजिएगा. सो गाइस ये आईसी भी मैंने लगा दिए बिल्कुल सही से. अभी हम चेक करेंगे, देखते हैं ये चल पाती है कि नहीं. अगर चल गई तो फिर हम इसके फिनिशिंग ये वाले करेंगे. सो इसमें भी उल्टे सुलटे होते हैं, इसमें माइनस वगैरह होता है. सो इसको भी हम एहतियात से लगाएंगे. तो पहले हम इसको लगा लें, चेक करें. सो गाइस अभी हम इसको ऑन करने लगें. सो दोस्तों ये अभी बिल्कुल ऑन हो चुका है. ठीक है, सो आईसी का प्रॉब्लम था, इसका डिस्प्ले सही हो चुका है. अभी हम इसका सेंसर काम करेंगे, देखते हैं सेंसर काम कर रहा है कि नहीं. सो दोस्तों ये देखें, इसका सेंसर भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है. ठीक है, सो इसका सेंसर काम करने के बाद अभी इसका जो वेट सेंसर वो लगाएंगे इसकी कनेक्शन. सो इसमें भी उल्टे सुलटे होते हैं, वो भी हम देखेंगे. और पहले हम लगा लेते हैं, इसके बाद आपको चेक करके बताएंगे कि किस तरीके से मैंने लगाएं. ठीक है, उल्टे सुलटे लगने के बाद भी ये जलता नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है. अगर आप उल्टे लगा देते हैं तो इसका कोई इशू नहीं होगा कि जल जाएगा. ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं है. फाइनली गाइस अभी हम इसकी वेट सेटिंग करेंगे, देखते हैं वेट सेटिंग इसकी ओके है कि नहीं.
क्योंकि हमने जो इसकी में जो आईसी मेन आईसी वो हमने तब्दील की है। सो अभी उसके वेट भी चेक कर लेंगे कि कितना वेट दे रहा है। ठीक है, सो बिजी। सो 20 केजी की वेट इसके ऊपर रख रहे हैं, देखते हैं कितना बता रहा है। सही से रख बीच में रख। अबे तो खाता नहीं है गया, ये 22 किलो अभी बता रहा है। ठीक है, सो 20 केजी के बाद वजन है अभी 228 ग्राम जो है अलग से दूसरा भी बता रहा है और 2 किलो और भी बता रहा है, बस 3 किलो ऊपर बता रहा है। तो इसको हम सेट करेंगे, निकालो उसको। ठीक है, अभी लो बैटरी है, इसका कुछ इशू होगा तो नहीं, देखते हैं। इसका कोड खोलते हैं हम, कहाँ गया टेयर। अभी इसका कोड खोल के, ठीक है, अभी टू पर इसको दोबारा लगाओ, ख्याल लगाना बीच पर लगाना। आराम आ गया, इसी ने टूट गया। अभी तीसरे नंबर पर हम इसको प्रेस करेंगे। अभी ये इसका वेट लिखना पड़ेगा, कितना रखा है हमने इसके ऊपर 20 केजी। ठीक है, इसके बाद हम टेयर दबाएंगे, ये टोटल 35 किलो का है। उसके बाद टेयर दबाएंगे, फिर टेयर दबाएंगे, टेयर ओके हो जाएगी। ठीक है, सो इसको ऊपर करो, निकालो, बंद करके फिर इसको चालू करेंगे हम। अभी रखो ऊपर, सही हो गया, 20 केजी पे अभी आ चुका है सेम वज़न का। अभी हम इसको 50 के देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। अभी इसके कैलकुलेशन भी सेट हो चुकी है, ठीक है, और वेट भी इसका सेट हो चुका है। ठीक है, इसको निकाल दो अभी।